जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 20 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 20 में क्रोमोसोम और डीएनए, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम हमारा टॉपिक है। हमने डिस्कस करनी है शेप्स ऑफ क्रोमोसोम। शेप्स किसकी? क्रोमोसोम की। जो क्रोमोसोम की शेप्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो जो क्रोमोसोम की शेप है, ठीक है जी, वो बेसिकली जो है वो हम डिस्कस करते हैं किस चीज पर डिपेंड करती है। That depend upon, depend करती किस पे? Position of centromere, ठीक है, position of centromere पे depend करती है। ये क्रोमोसोम है तो ये सेंट्रोमेयर है, ठीक है जी। मैंने कल आपको समझाया था इस सेंट्रोमेयर को नाम क्या देते हैं हम? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है जी, इसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। क्रोमोसोम के अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन याद रखना है कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को ही सेंट्रोमेयर कहा जाता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को सेंट्रोमेयर नहीं कहा जाता। तो जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है उसे ही सेंट्रोमेयर कहा जाता है, ठीक है। अब इस पूरे को नाम देते हैं पूरे को क्रोमेटिड, लेकिन इसे कहते हैं अकेले को आम कहते हैं, इसको भी आम कहते हैं। अब सेंट्रोमेयर के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को आम, ये दो आम है, लेकिन पूरे को क्रोमेटिड कहेंगे। जितने सेंट्रोमेयर हो उतने क्रोमोसोम होते हैं। तो शेप्स ऑफ क्रोमोसोम में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ये क्रोमोसोम की शेप को मेंटेन करने के लिए होती है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होती है, ठीक है जी। इसके अलावा आर्म्स और क्रोमेटिड। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को खास नाम देते हैं, मैंने कहा सेंट्रोमेयर कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि यहां पर एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम है कैनेटोकोर। यहां पर एक खास प्रोटीन होती है जहां पर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, इसे कैनेटोकोर कहते हैं। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं होते, इसलिए उसे सेंट्रोमेयर का नाम नहीं देते, लेकिन वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्रोमोसोम में आर्म्स और क्रोमेटिड। अब इसके बाद शेप्स ऑफ क्रोमोसोम मैंने कहा डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर पे। इस तरह सर जी बेटे सर नबील को ऐड करिएगा। अच्छा, तो अब यहां पर जो है ना हमने डिस्कस किया है कि जो क्रोमोसोम है ना उसमें पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर की बेस पे शेप्स ऑफ क्रोमोसोम, तो कितनी शेप्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। हम पहली शेप डिस्कस करते हैं जी मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। दूसरी हम डिस्कस करते हैं सब मेटासेंट्रिक, तीसरी हम डिस्कस करते हैं जी तीसरी टीलोसेंट्रिक। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी एक्रोसेंट्रिक। ये जी क्रोमोसोम की शेप्स हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कौन से होते हैं? जिसमें क्रोमोसोम के बिल्कुल सेंटर में कौन हो? सेंट्रोमेयर। सब मेटा में जो सेंट्रोमेयर है वो ये सेंटर बनता है, सेंटर के करीब है, सेंट्रोमेयर सेंटर के करीब है। टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर बिल्कुल एक सिरे पर है, और एट्रोसेंट्रिक में ये सेंटर है, ठीक है, ये वाला पॉइंट सेंटर है। तो जो सेंट्रोमेयर है वो सेंटर के करीब नहीं बल्कि सिरे के करीब है, ठीक है। तो सेंट्रोमेयर, तो मेटासेंट्रिक में जो है वो सेंट्रोमेयर कहां होती है? सेंट्रोमेयर कहां होती है? मिडल में, इसलिए इसे नाम देते हैं मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेयर कहां होती है? सेंट्रोमेयर होती है नियर द मिडल, मिड के करीब होती है, ठीक है। टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर कहां होती है? सेंट्रोमेयर होती है एट एंड, एंड पे होती है। और एट्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर कहां होती है? सेंट्रोमेयर नियर द एंड, एंड के करीब होती है। अच्छा, अब
इनकी शेप हमें कैसे नजर आते हैं, टीलोसेंट्रिक कैसे नजर आते हैं, मेटासेंट्रिक कैसे नजर आते हैं, एक्रोसेंट्रिक कैसे नजर आते हैं, ठीक है जी। टीलो और एक्रोसेंट्रिक दोनों हमें कैसे नजर आते हैं, आई शेप नजर आते हैं या रॉड शेप नजर आते हैं। तो ये रॉड या अल्फाबेट आई शेप नजर आता है, ये भी हमें रॉड या अल्फाबेट आई शेप नजर आते हैं। ये शेप कब नजर आती है, जब सेल डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। मसलन ध्यान से सुने, अब जो क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होने जा रहे हैं, ये सेल डिवीजन है, ये क्रोमोसोम है, तो ये अब ये ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है जी। अब एक क्रोमोसोम ऐसा नजर आ रहा है, ये आई शेप है, ठीक है, रॉड शेप है। तो इनकी जो शेप है जो हमें ऐसा नजर आएगा वो वी शेप होगा, जो हमें ऐसा नजर आएगा वो एल शेप होगा, ठीक है जी। तो जो मेटासेंट्रिक होते हैं ये कैसे नजर आते हैं, मेटासेंट्रिक ये हमें वी शेप नजर आते हैं, और ये वाले हमें सब मेटासेंट्रिक ये हमें एल शेप नजर आते हैं। हाँ, ये वी शेप भी हो सकते हैं, यानी वी लाइक नजर आ सकते हैं, दिखने में वी जैसे हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो ये कैसे होंगे, ये प्रॉपरली एल शेप होंगे, ठीक हो गया जी। हाँ, इन्हें हम एक और अल्फाबेट से मिला सकते हैं, अगर आप गौर करें तो ये जे जैसे भी बन सकते हैं। तो ये कैसा, इस तरह का जो जे होता है, ठीक है, उस जैसे भी बन सकते हैं, जे शेप भी बन सकते हैं, क्लियर हो गया। तो इनकी जो शेप्स हैं इस बेस पे हमने क्रोमोसोम को क्लासिफाई कर दिया। अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, कौन सा भी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में जो शेप्स ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है बेटे। इसमें कोई बात आपने मुझसे पूछनी है पूछ ले।